ओके बिहारी जी, आप हमारे विश्वास की लाज रख लीजिए। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी राधा मोहन को वो कॉन्ट्रैक्ट चीरते से नहीं रोक पाई। और ऊपर से पता नहीं मम्मा, भूषण मामा और वो मोहित कहाँ मर गए। इतनी बार कॉल कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। वो आईसीयू वाली बच्ची के परिवार वाले कितने परेशान हैं। लगता है बचेगी नहीं वो, हालत बहुत खराब है उसकी। ओ दीदी, ओ दीदी, अरे सुनो, हम यहाँ हॉस्पिटल में जेल की तरह बंद है और आपको नाचने की पड़ी है। लगता है पुलिस की मार के डर से पगला गई है। हम पुलिस की मार के डर से नहीं पगला गए हैं, हम तो खुशी की बात सुनकर पगला गए हैं। हम तो कहते हैं भूषण, आप दोनों मिलकर हमारे साथ थोड़े ठुमके लगा ही लो। हमें थोड़ी देर में खुशी के समाचार मिलने ही वाले हैं। भूषण, हमने अभी भी सुना कि वो चुईया की हालत बहुत खराब है, कभी भी मर सकती है वो। आखिरकार वो सारे के सारे त्रिवेदियों की हिम्मत अब जाकर टूटेगी। ये दीदी सठिया रही हो क्या तुम? हाँ, ऐसे न्यूज़ से खुश हो रही हो? अरे एक तो कुनगुन को किडनैप करने के कारण में त्रिवेदी ने हमें पकड़ा था, भूल गई? अब उन्हें ये भी शक हो गया होगा कि हम ही ने गुनगुन का एक्सीडेंट करवाया, और उस चक्कर में वो लोग सबूत ढूंढने में लग जाएंगे। सबूत ढूंढते ढूंढते अब तक पहुंच ही जाएंगे। राधा मोहन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बेटी को प्यार करते हैं। अगर उसको कुछ हुआ तो वो कभी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हमने तो ये बात सोची ही नहीं। मतलब राधा मोहन कभी भी हमारे बिटिया तक पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल पक्का पहुंच जाएंगे। क्या करें, क्या करें, क्या करें? मिनट दीदी, दीदी, ये सारा का सारा एक्सीडेंट का कांड दामिनी ने किया था। और नहीं तो क्या, उस गुनगुन के ऊपर क्या कोई भूत चढ़ गया था? अरे हमारी बिटिया ने ही तो गाड़ी से उसे उड़ा दिया था। मुझे लगा था, मुझे 100% लगा था कि दामिनी ने ही उसे उड़ाया होगा। त्यागनाश दीदी, अब वो मोहन हमें नहीं छोड़ेगा, और वो पिद्दी जैसी राधा मां काली का अवतार ले लेगी। और वैसे भी नवरात्र चल रहे, इसे सुन और मुझे रक्त बीज समझकर हमारा वध कर देगी। नहीं नहीं, मैं तो जाके सीधे सीधे बोल दूंगा कि इस सबसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। हा? अरे मैं गुनगुन का मामा हूं, उसे बहुत प्यार करता हूं। दीदी, ये मैं गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा बेटा, अब जाके उस चुईया के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है तेरे मन में। हा? हम सबको फंसा कर तो यहां से भागना चाहता है। हाँ? देख, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर हम फंसे ना तो तू भी पक्का फंसेगा। हाँ? हम सिर्फ कहने के लिए मासी नहीं है, जालसाजी में भी तुम्हारी मासी है। आई बात समझ में? देखो, इन सब में से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
हम सब मिलकर सारे सबूत मिटा दे, वरना वो राधा मोहन शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्त बीज की तरह हम सबका वध कर देंगे। अरे दीदी, दशहरा आने वाला है, महिषासुर नहीं रावण की तरह हमारा दहन कर दिया तो क्या एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और ये दूसरे माले से हमें कूदना ही क्यों ना पड़े, हम मिट जाए उसके पहले सबूत मिटाते हैं। हाई बात समझ में, जाएंगे कैसे? रास्ता ढूंढो। दीदी, जीजू इन तीनों को क्या करना है, कब तक बंद करके रखेंगे? राहुल, इन तीनों से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, पहले तो ये प्रार्थना करो कि राधा और गुनगुन का ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। हे बाके बिहारी जी, हमारा और गुनगुन का ब्लड ग्रुप मिला दीजिए। हमारे लिए करना ही होगा बाकी बिहारी जी, कर दीजिए। हाँ राधा, बाकी बिहारी जी जरूर ऐसा करेंगे। उन्हें ऐसा करना ही होगा, वो हमारा साथ जरूर देंगे राधा। उन्हीं से आखिरी उम्मीद है इस बाकी बिहारी जी। बाकी बिहारी जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक तरफ जीत की खुशी दे दी, दूसरी तरफ हम हमारा सब कुछ हारने वाले। प्लीज कुंदन को कुछ नहीं होना चाहिए ना। कादंबरी त्रिवेदी, मोहन त्रिवेदी की माँ, त्रिवेदी परिवार की मुखिया और कंपनी की कर्ता धर्ता यही है। और ये विश्वनाथ त्रिवेदी, हस्बैंड ऑफ कादंबरी त्रिवेदी। परिवार में इसकी खास जगह नहीं है, कोई घास नहीं डालता शराबी को। ये है राहुल त्रिवेदी, मोहन त्रिवेदी का छोटा भाई है, एक नंबर का निकम्मा। और ये अजीत शुक्ला, घर जमाई मुफ्त की रोटियां तोड़ता है बस। खेत की शुक्ला, मोहन की छोटी बहन, मेकअप के अलावा और कुछ आता नहीं है इसे। मोहन त्रिवेदी, ऑनर ऑफ त्रिवेदी पब्लिकेशन, और साथ में उसकी दूसरी बीवी राधा त्रिवेदी। ये दोनों त्रिवेदी परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। त्रिवेदी परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, पर हर बार ये दोनों त्रिवेदी परिवार की ढाल बनकर उसे बचा लेते हैं, परिवार पर कोई आंच नहीं आने देते।
और ये मेगा पब्लिशिंग कॉन्टेस्ट जीत कर ये दोनों हमारे मिशन के परफेक्ट कैंडिडेट बन गए। अब इस त्रिवेदी परिवार की सारी कुंडली है हमारे पास, इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और हमारे मिशन की सबसे मजबूत कड़ी है ये दोनों राधा मोहन। ये लोग अभी कॉन्टेस्ट जीत के आए हैं, यही हमारे प्लान की मेन कड़ी है। लेकिन अगर इनकी बेटी की मौत हो गई तो हमारे मिशन की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये किसी काम के लायक नहीं बचेंगे। और हम ऐसा होने नहीं दे सकते किसी भी हालत में। हमें दिवाली के पहले पूरे भारत में पटाखों की गुंज करवानी है, यही हमारा मकसद है। कुछ भी हो जाए इनकी बेटी नहीं मरनी चाहिए। नो, मैम आपकी रिपोर्ट आ गई। क्या है रिपोर्ट में? आपने बिल्कुल सही कहा था, चमत्कार में विश्वास से ही चमत्कार होता है। आपका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। क्या आप अब गुनगुन को ब्लड दे सकते हैं? वहां के बिहारी जी, डॉक्टर साहब, आपने हमारे खून की आखिरी बूंद ले लीजिए, पर हमारे गुनगुन को बचा लीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं। राधा, गुनगुन से तुम्हारा खून का रिश्ता भी हो गया है। खून का रिश्ता? भाग्य बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विश्वास की लाज रख ली। जय भाग्य बिहारी जी की। सिस्टर आप आइए हमारे साथ। जी हम आते हैं। आप शुक्र मना कि अभी तक मरे नहीं है हम। हाँ। लेकिन कोई भरोसा नहीं बिटिया, वो राधा मोहन कभी भी यहाँ पर आ जाएंगे और हम सबको मार ही देंगे। क्या बकवास कर रही हो मम्मा? बकवास नहीं कर रहे बिटिया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अरे हम जब चुईया को किडनैप करने के लिए हॉस्पिटल गए थे ना, तब हम अपने फूल से बच्ची की शक्ल देखने आए हैं। कद्दू रुको, आप लोग कौन हो? वो हम मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए आए हैं। कावेरी मासी, मामा नमस्ते। क्या करे? त्रिवेदी ने आप सबको रंगे हाथों पकड़ लिया, इसका मतलब हम और नहीं बचेंगे। राधा मोहन तो हमें जान से मार देंगे, जान से मार देंगे वो हमें। पर बिटिया बिटिया एक उपाय है, इन सबसे बचने का एक उपाय है, अगर हम सारे सबूत मिटा दे तो। हाँ मम्मा करेक्ट, सबूत, सारे सबूत मिटाने होंगे हमें, हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। करेक्ट, सबूत। अब देखते हैं गुनगुन इस ट्रीटमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ गए। डॉक्टर साहब आप देखिएगा, अब हमारी गुनगुन बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। आप रेस्ट कीजिए, आपको अभी वीकनेस होगी। जी डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारी बच्ची वहां जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही, तो एक माँ आराम कैसे कर सकती? हमें हमारी बच्ची के पास जाना।
डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है, गुनगुन को उसकी मां की जरूरत है। और अब राधा की फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना राधा के साथ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है? ठीक है। I'm sorry, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लड देने के बाद भी गुनगुन की हालत में कोई सुधार नहीं है। कि इंटरनल ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ तो कीजिए, कुछ तो होगा। रह लीजिए माँ जी। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, राधा ये अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो राधा? मोहन जी, कभी कभी ना जीवन में ऐसा समय आता है जब अच्छे से अच्छे डॉक्टर अच्छे से अच्छी दवाई असर करना छोड़ देती है। विज्ञान बीमारी के आगे घुटने टेक देते हैं। पर ये बात भी सच है मोहन जी, दुनिया की सारी शक्ति सारी दवाइयां हार मान सकती, पर एक मां का हृदय है और उसकी इच्छा शक्ति नहीं। डॉक्टर साहब को जो कुछ भी करना था उन्होंने कर लिया। अब हम बचाएंगे अपनी गुनगुन को। मुझे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि हमारा आज गुनगुन के साथ खून का रिश्ता बना है। इतनी जल्दी इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकते और ना ही टूटने देंगे। और इसलिए हमें अपनी गुनगुन से बात करनी ही होगी। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। सिस्टर,
जाने दो इन्हें। हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन गुनगुन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हो सकता है जो हम नहीं कर पाए वो एक माँ कर दिखाए। राधा जी जाइए, अपनी बेटी के पास जाइए। नहीं, आप में से कोई भी हमारे साथ अंदर नहीं आएगा। मोहन जी आप भी नहीं। ये हमारी और हमारी गुनगुन के बीच की बात है। राधा, मोहन, एक माँ और बच्चे के बीच कोई नहीं आ सकता, पिता भी नहीं। राम माँ बुलाऊंगी। नन्हे से प्यारे खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। गुनगुन, हम ना आपसे बहुत नाराज हैं। तेरी मैं बुलाए लो, बहुत नाराज हैं। मैं ऐसा मन हो रहा है कि हम आपसे कभी बात ही ना करें। तुझको मैं खुशियों के साए। गुनगुन, आपने हमसे रोजों का हमने तो वो सब किया ना। बसाए तू तुझे, आपने हमसे कहा कि हम मालदीव जाकर प्रतियोगिता जीते, हम जीत गए। चाहे तू सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों, हम वहां जाकर आपकी चिंता ना करें। हमने वो भी नहीं की, हम ढेर सारी तस्वीरें हमने ली और आपने भी भरोसा दिलाया था ना कि हम अपना ख्याल रखेंगे। और ये क्या हालत कर लिया आपने। जागो रात में। गुनगुन, 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 अपनी रामा की बात सुनिए। गुनगुन, गुनगुन सुनिए, अपनी रामा की बात। उठिए गुनगुन, उठिए ना। सारी रात ये गुनगुन, कह तू चाह। ठीक है गुनगुन, मत उठिए।
नहीं उठना ना आपको, तो यही आपके सामने ना आपकी राधा भी प्राण त्याग देगी।